हाय गाइस, यूपीएससी की मेंस एग्जामिनेशन अब ख़त्म हो चुकी है एंड नाउ इज़ द टाइम व्हेन ऑल ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग कि हम ये जो पीरियड है रिजल्ट आने तक हम ऐसा क्या करें कि हम हमारा टाइम प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकें। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखिए कि रिजल्ट आने के बाद देर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज़। वन, दैट यू फाइंड योर नेम इन द लिस्ट एंड यू प्रोसीड to the interview stage of UPSC examination, or you don't find your name in the list and you start preparing again for the next year main examination. In either case, this video is going to be very useful for you. I am Achal Jhunjhunwala and today we are going to discuss what kind of questions are expected in the UPSC interview stage. So हम शुरू करेंगे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों के साथ जो आपको करना है इन नेक्स्ट फ्यू डेज़ में जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आ जाता है। पहली चीज़ आपको करनी है कि आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है उसके बेसिस पे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है इसकी लिस्ट आपको खुद बनानी है, या तो एक एक्सेल शीट में या वर्ड फॉर्मेट में। कैसे बनानी है ये मैं आपको आज वीडियो में बताने वाली हूँ। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो कि आपको मिलना है जितने हो सके अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, अलग अलग फील्ड्स के एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सोनेल से, ठीक है। ये भी किस बेसिस पे करना है, उनसे क्या सवाल पूछने हैं, कैसे इसका फ़ायदा होगा, ये हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। पहली चीज़ आपको अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म उसे एनालाइज करना है। जितने कैटेगरीज है आपके फॉर्म में हर कैटेगरी पे आपको खुद के क्वेश्चंस डिज़ाइन करने हैं। टू हेल्प यू स्टार्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अ फ्यू कैटेगरीज एंड रिलेटेड क्वेश्चंस टू इट। सो शुरू करते हैं। आप एक पेन और पेपर ले लो साथ में सो दैट आप सैम्पल क्वेश्चंस लिख लो एंड देन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड You can go and make your own questions. Also, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको हर बार जब मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाए। चलिए अब शुरू करते हैं सैम्पल क्वेश्चंस की लिस्ट। सबसे पहली कैटेगरी और सबसे सिंपल कैटेगरी है आपका नाम। यू विल बी राइटिंग योर ओन नेम इन द डैफ, राइट। तो आपके नाम के बेसिस पे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपका जो फर्स्ट नेम है उसका क्या मीनिंग है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। आपका जो फैमिली नेम है, मतलब जो सर नेम है, वो क्लैन कहाँ से आया है, व्हाट आर द ओरिजिन्स ऑफ दिस क्लैन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपके पेरेंट्स का नाम, उनके नाम का क्या मतलब है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर पेरेंट्स फर्स्ट नेम, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर यूपीएससी इंटरव्यू। सिमिलरली योर फर्स्ट नेम माइट हैव सम फेमस पर्सनैलिटीज विद द सेम नेम, सो यू मस्ट नो हु दीज फेमस पर्सनैलिटीज आर और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ रिलेटेड टू योर नेम। सेकेंड कैटेगरी हो सकती है आपके एड्रेस की। आप अपना लोकेशन डालते हो अपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में, आपके एड्रेस के बेसिस पे आपको उस लोकेशन का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, पॉलिटिक्स, इन सारी चीज़ों पे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो बेटर है कि आप जो डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं या जो आपका स्टेट है, होम स्टेट, जो आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में भर रहे हो, उसके बारे में इन चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। सिमिलरली दूसरा सवाल पूछा जा सकता है आपके पिन कोड के बेसिस पे। तो पिन कोड 6 digits का होता है, तो दे कैन आस्क यू व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच ऑफ द डिजिट्स इन द पिन कोड, तो आपको उसका ब्रेकअप और उसका क्या मीनिंग है ये पता होना चाहिए आपके स्पेसिफिक पिन कोड का। सिमिलरली अगर आपके टाउन, लोकेलिटी या डिस्ट्रिक्ट से कोई फेमस पर्सनैलिटीज़ है तो उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसमें इंटरलिंकेज भी पूछ सकते हैं यूपीएससी इंटरव्यू में। फॉर एग्जांपल देयर इज़ वन कैटेगरी कॉल्ड एज हॉबीज़। तो मान लीजिए किसी पर्सन ने लिखा है मेरा हॉबी क्रिकेट खेलना है और वो पर्सन है पुणे से,
तो उसे ये पूछा जा सकता है कि क्रिकेट के कोई फेमस पर्सनालिटीज पुणे शहर से आए हैं क्या, तो आपको इस चीज़ का आंसर पता होना चाहिए। सिमिलरली आपने अपनी हॉबी में कुछ और भी लिखा हो सकता है, तो आपको उन हॉबीज़ रिलेटेड जो पर्सनालिटीज़ है आपके लोकेशन से, आपके डिस्ट्रिक्ट से या आपके स्टेट से, उनके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। दिस इज़ ओनली वन ऑफ द इंटरलिंकेजेस। ऐसे यूपीएससी के इंटरव्यू में बहुत सारे कैटेगरीज हैं जो आपके डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में होंगे, किसी का भी लिंक एक दूसरे से किया जा सकता है। नेक्स्ट, एक और कैटेगरी होती है आपके डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड होती है। आप कौन से कॉलेज से आपने आपका ग्रेजुएशन किया है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो कहाँ से किया है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हम एक सिंपल सा और फेमस एग्जांपल लेंगे आईआईटी से, जिसने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री ली है एंड देन आईआईएम से किसी ने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और ये दोनों डिटेल्स आपके डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशनड है, तो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आईआईटी से रिलेटेड आपको ये याद रखना है कि आईआईटी आर इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि व्हाट आर इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, विच आर द अदर इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, या एनी थिंग ऑन दोज लाइन्स। सिमिलरली अगर आईआईटी से काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ है तो उनके बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सिमिलरली आपके जो फेमस प्रोफेसर्स हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एग्जाम्पल आईआईएम से एमबीए किया है, तो आईआईएम में पहले डिप्लोमा दिया जाता था, डिग्री नहीं दी जाती। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डिग्री और डिप्लोमा, तो आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपके कॉलेज से रिलेटेड, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन वाले इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। सिमिलरली और एक कॉलम होता है आपके अचीवमेंट्स के बारे में, तो आप उसमें अपने अदर अचीवमेंट्स के बारे में लिखते हो। एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई स्टूडेंट है जिसने एक मैथमेटिक्स का ओलंपियाड उसमें गोल्ड मेडल जीता है, तो अब उस पर क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि डू यू थिंक दैट दीज काइंड ऑफ ओलंपियाड्स आर एन एडिशनल बर्डन ऑन द स्टूडेंट्स, तो आप क्या आंसर दोगे। ऑब्वियसली यू विल नॉट कॉन्ट्रोडिक्ट योर सेल्फ, दे वॉन्ट यू टू बी अ पॉजिटिव पर्सन, so you will give an optimistic answer that yes, it is additional effort but it's not a burden, instead it does the following benefits to the student, ठीक है। तो आपका जो भी अचीवमेंट रहेगा उसके बेसिस पे आपको ऐसे क्वेश्चंस डिज़ाइन करने हैं। सिमिलरली क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि what is the importance of so and so exam और सो एंड सो एकेडमिक अचीवमेंट इन अ स्टूडेंट्स लाइफ, तो उसका भी आंसर आपके पास प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो इसी तरीके से जितने कैटेगरीज है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में, आपको वो वर्ड बाय वर्ड याद होना चाहिए, आपको उसको वर्ड बाय वर्ड एनालाइज करना है, और हर कैटेगरी में से, हर वर्ड में से ये सोचना है कि इस तरीके के क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको इंटरलिंकेजेस भी बताए, हॉबी का आपके लोकेशन से या हॉबी का आपके नाम से हो सकता है, या ऐसे ही दूसरी और चीज़ों को मिक्स एंड मैच करके यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है उसी के बेसिस पे आपका पूरा इंटरव्यू रिवॉल्व होने वाला है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म बहुत केयरफुली भरा गया हो, एंड जो भी इंफॉर्मेशन आपने उसमें डाली है वो आप बहुत सोच समझ के डाल रहे हो। सो ऐसे आप 100-150 क्वेश्चंस बना लो, उसको वर्ड या एक्सेल फाइल में डाल दो, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी बनाओ और ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस भी बनाओ, बिकॉज इंटरव्यू में दोनों का कॉम्बिनेशन पूछा जा सकता है। सो कीप रेडी द सेट ऑफ बोथ काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड स्टार्ट फाइंडिंग योर आंसर्स टू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये पहली चीज़ आपको करनी है इस
पीरियड में जब तक आपका रिजल्ट्स नहीं आता है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है कि आपको जाके मिलना है बहुत सारे फील्ड्स के डाइवर्स डिपार्टमेंट्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स को। अच्छा, ये समझ लो कि ऐसा क्यों करना है। तो इंटरव्यू स्टेज में जो पैनल बैठेगा वो आपको आपकी पर्सनालिटी के बेसिस पे जज करने वाले हैं। आपका नॉलेज मेंस में टेस्ट हो चुका है, कुछ हद तक वो टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछेंगे, बट मोर और लेस इट रिवॉल्व्स अराउंड टेस्टिंग यू एज अ पर्सन, योर पर्सनालिटी। तो जब आप इन एडमिनिस्ट्रेटर्स से मिलोगे, आपका पर्सनालिटी इवॉल्व होगा, आपकी थियोरेटिकल नॉलेज को एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मिलेगा। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लिस्ट बना लो वेरियस डिपार्टमेंट्स की, जैसे हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर, म्यूजिक, लिटरेचर एंड सो मेनी अदर डाइवर्स डिपार्टमेंट्स। ठीक है, पहला स्टेप आप ये लिस्ट बना लो। सेकेंड स्टेप इसमें ये होगा कि आप उसमें जो अच्छे पर्सनल है, पीपल हु आर स्टिल वर्किंग इन दोज डिपार्टमेंट्स, उनकी लिस्ट बना लो, उनको स्पॉट कर लो कि किससे आपको मिलना है इस डिपार्टमेंट में। अब हर डिपार्टमेंट में देर आर पीपल ऑफ वेरियस रैंक्स, सो स्पॉट आउट द पीपल कि आपको कौन से रैंक वाले पर्सन से मिलना है, जो आपको इन्फॉर्मेशन दे सके कि करंट सिनेरियो क्या है उस डिपार्टमेंट में, व्हाट आर द इश्यूज फेस्ड बाय दैट डिपार्टमेंट, व्हाट आर द सॉल्यूशंस दैट कैन बी यूटिलाइज्ड इन दैट डिपार्टमेंट, व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ दैट फील्ड। से फॉर एग्जांपल, ये चीज़ आर्ट्स, कल्चर एंड म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी कि आप म्यूज़िक का या उस कल्चर का या उस आर्ट फॉर्म का हिस्ट्री निकालो, उसमें कितने कैटेगरीज है, क्या क्या बाइफरकेशन है उसके, ये पता करो। सिमिलरली अगर मान लो आप जुडिशरी डिपार्टमेंट में किसी से मिल रहे हो, तो हिस्ट्री जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आप उनसे ऐसे सवाल पूछ सकते हो कि मैं ये डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो इस डिस्ट्रिक्ट में जुडिशरी कौन से लेवल पे काम करती है, क्या ज्यूरिसडिक्शन है, जुडिशरी का क्या सिस्टम है, उसे बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लो। ठीक है, सो इसका फ़ायदा आपको इंटरव्यू स्टेज में तो होगा ही। सिमिलरली अगर जस्ट इन केस रिजल्ट्स आने के बाद इफ़ यू डोंट फाइंड योर नेम इन द लिस्ट, सो ऑल मीटिंग ऑल दीज पीपल विल हेल्प यू रिफाइन योर आंसर्स इन यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। ये समझो कि आपने न्यूज़पेपर्स तो पढ़ लिए, बहुत सारे रेफरेंस बुक्स आपने पढ़ लिए, थियोरेटिकल नॉलेज यू हैव गेन्ड अ लॉट, बट वेन यू मीट दीज पीपल यू आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एवरीथिंग दैट यू आर रीडिंग। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वेदर यू क्लियर द मेन्स स्टेज और नॉट, यू मीट दीज काइंड ऑफ पीपल एंड स्टार्ट गेनिंग लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर। जब आप ये लिस्ट बना रहे हो तो मैंने एक चीज़ स्पेसिफिकली बोली है कि उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करना जो ऑलरेडी सर्विस में हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आप किसी रिटायर्ड हाई रैंकिंग ऑफिसर से बात करोगे तो वो पास्ट डेटा देंगे आपको, और पास्ट डेटा आपके इंटरव्यू में या फिर मेंस एग्जामिनेशन में आपको काम नहीं आने वाला है। सो इट्स बेटर कि जो ऑन सर्विस ड्यूटी पे है जो ऑफिसर, उनसे आप बात करो। टारगेट रखो कि आप दिन में 2 से 3 जनों से मिल सको, एंड जैसे जैसे आप लोगों से मिल रहे हो, स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स इन योर हेड, स्टार्ट इंटरलिंकिंग द डिपार्टमेंट्स, स्टार्ट इंटरलिंकिंग द डेटा दैट यू आर रिसीविंग, स्टार्ट कोलेटिंग इट इन वन प्लेस। ओके, मेक योर ओन नोट्स, गो विथ अ पेन एंड पेपर। सिर्फ बात करने जा रहे हो ऐसा नहीं, यू हैव टू गो विथ अ पेन एंड पेपर, jot down as much information as possible, because this is a very serious part of your interview preparation. Again, you have to remember that everything that you do for interview preparation, you have to prioritize things based on a detailed application form. So departments pehle wo select karo jo aapke detailed application form se directly related hai.
then go for other departments and other fields. But yes, after meeting all those people from the DAF, it's very important that you still meet other people, okay? Because as more and more practical exposure you get, it's going to be better for your interview preparation. Because get this right, ठीक है, एक civil servant का क्या काम होता है? एक civil servant का ये काम होता है कि आप बहुत सारे categories के, बहुत सारे fields के लोगों से मिलो, उनकी concerns सुनो और be open-minded to provide them with the solutions, to take decisions based on whatever knowledge that you have for various fields. So the panel is going to judge you based on your practical exposure. They are going to judge you कि आप हर field के बारे में कितना aware हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा deep knowledge आपको नहीं भी होगी तो भी they'll be okay. But you should have some knowledge. You should at least be aware of what are the concerns of different departments, and you should show in the interview that you are a positive person. So that will only come when you know that there are concerns in different departments. And you are willing to find and learn the new solutions that can be implemented in these departments. ठीक है? तो you have to understand the motive behind conducting this interview. Once you understand this, it's going to be very easy for you. Yes, जब तक आपका results नहीं आता है, ये दो चीजें आपके लिए बहुत important है. Detailed application form के basis पे 100-150 questions की list बना लेना. Logical questions banana, jo aapko factual data bhi puche aur aapka opinion bhi puche, and similarly make a list of all those administrators whom you would like to meet in the next few days, who can give you practical data for all the fields, diverse backgrounds. I will see you next week with another video that will help you in your UPSC preparation. Until then, all the best, and do like this video and share it with all those friends who are preparing for your UPSC examinations. All the best.